कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर ने सरकारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। आज दोपहर खुजनेर नगर में वर्तमान विधायक बापू सिंह तंवर ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई प्रकार की अवस्थाएं पाई गई। विधायक का कहना है कि मरीज अस्पताल में स्वस्थ होने के लिए आता है, किंतु कुछ नहीं, सरकारी अस्पताल की हालत यह है कि यहां आकर इंसान बीमार होकर जाता है। वहीं नागरिकों ने भी बीएमओ के ना आने की शिकायत की। वहीं जब विधायक बापू सिंह तंवर ने पोस्टमार्टम रूम का गेट खुलवाया तो बदबू के मारे सभी लोगों का बुरा हाल हो गया। एक तरफ कई एक्सपायरी डेट की गोली दवाएं भी वहां पर पड़ी हुई थी, जो कि अभी तक वापस नहीं की गई। किस वजह से एक्सपायरी डेट की दवाओं को वहां पर रखा गया है, इसका जवाब तो स्वयं बीएमओ के पास ही होगा। साथ ही विधायक ने हर एक वार्ड में जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। सर, अभी आपने जो खुजनेर स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया है और पीएम रूम का भी आपने निरीक्षण किया है, क्या यहां पर आपको व्यवस्था लगी है? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हर जगह अव्यवस्था के अलावा कुछ दिख रहा क्या? आज डॉक्टर यहाँ पूरे आते नहीं हैं, और तो और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो यहाँ बैठता है वो नहीं आते हैं, तो व्यवस्था सुधरेगी कैसे? मतलब हर आदमी चोरी करने पे तुला हुआ, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहिए उसमें भी चोरी कर रहे हैं, तो ये कैसे व्यवस्था सुधरेगी? और फिर जब वो नहीं आएंगे तो छोटे कर्मचारी काम कैसे करेंगे? कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कैसे काम चलेगा? अब अगर जो और भी डॉक्टर्स यहाँ पदस्थ है, उनको तो अधिकार नहीं है कि वो किसी पे अपना बात रख सके कि भाई आप ये सफाई करिए, अगर ज़्यादा करें तो इनसे भी विवाद हो जाए। तो जो समुचित व्यवस्था देखता है उसकी ड्यूटी बनती। अब पूरा अस्पताल बदबू मार रहा, सड़ांध है वहाँ पर, मरीज स्वस्थ होने के लिए आते और बीमार होके जा रहे हैं यहाँ से। ये तो, सर, ये जो गोली दवाई एक्सपायर जो गोली दवाई हो चुकी है, डेट इनकी खत्म हो चुकी है, ये जो रूम बना है ये गोली दवाई रखने के लिए बना है क्या सर? ये मशहूरी रूम है, वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ये क्या तरीका है। मैंने सीएमओ जैसे यही कहा कि आप देखो ना, आज एक्सपायरी दवाई हो गई, जहाँ डेड बॉडी का पीएम होता है वहाँ एक्सपायरी दवाई रख रखी, और वो उसके बाद भी वह पता नहीं क्या है, इतना बदबू है उसके अंदर घुस नहीं सकते। अगर अभी कोई बॉडी आ गई पीएम के लिए तो उसका आप पीएम कैसे करेंगे? वहाँ एक सेकंड आदमी नहीं रुक सकता, इतने सड़ांध है। तो ये क्या है, ये देखना चाहिए, ये जिले के डॉक्टर को देखना चाहिए। सीएमएचओ है, बीएमओ है, वो बीएमओ का काम क्या है? बीएमओ का मुख्यालय पे रहते नहीं बीएमओ, राजगढ़ रहते, वो आते नहीं, तो ये क्या है? मतलब ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कहीं 50% की कमीशन, आधा कमीशन सरकार के पास, भाजपा के नेताओं के पास जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ रहता हो, इसके पहले भी बीएमओ है रहे, वो साफ सफाई और सब कुछ उनने पूरी ईमानदारी से ड्यूटी की, तब तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, परिसर भी स्वस्थ था, लेकिन आज तो पूरा अस्वस्थ हो गया मामला। तो ये गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय को ये जनहित में जनता इस बात की शिकायत कर रही, परेशान है कि मरीज पलंग पे रुक नहीं सकता, इतनी बदबू और गंदगी है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए मुझे आना पड़ा कि मेरा परिवार है, मेरी जनता है, उनकी देख रेख करना मेरी ड्यूटी है। ये बात मैं उचित स्थान तक कलेक्टर, पीएस, कमिश्नर सब तक ये पहुंचाऊंगा और इस पर कार्रवाई करवा के रहूँगा। अतिरिक्त व्यवहार कलेक्टर से बात करूँगा, आज ही कलेक्टर से बात करूँगा यहाँ पर जाकर, कि अस्पताल की व्यवस्था आप जाके घूम के देखो क्या हालत कर रहा है। खाली बोतल वही ढेर लगा रहा क्यों खोले में? तो सफाई वफाई आता ही नहीं है, अपडेट मीडिया के लिए खुजनेर से इदरीस मंसूरी की विशेष रिपोर्ट।